तेलंगाना हैदराबाद के सम्मानित पत्रकार जनों, आपका हम अभिनंदन करते हैं और बड़ा स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और उस विषय को जानना चाहते हैं जिस विषय को लेकर संपूर्ण भारत में हमेशा से एक नाम और एक काम चलता रहा है। देखिए, गोरक्षा का जो अध्याय है वो बड़ा पुराना है, बड़ा प्राचीन है और अगर हम नज़र डालेंगे तो 1857 का जो हमारा आंदोलन रहा है स्वतंत्रता का, उसके मूल में मंगल पांडे जी की वही भावना थी जो गाय के चर्म का जो प्रयोग कारतूसों में किया गया उसके विरोध में उनके अंदर पे इतना ज़्यादा उसका उबाल आया कि मंगल पांडे ने पहली गोली इसी भावना के साथ चलाई कि इस देश में गोमाता की हत्या नहीं होनी चाहिए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते, आपको पता है, इतिहास गवाह है अपने आप में, 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम आंदोलन किया, एक ऐसा गोरक्षा आंदोलन जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए, हजारों लोग बलिदान हुए दिल्ली में, लेकिन उनके संकल्प में इतनी ताकत थी कि आज भी देश के अंदर पे गोरक्षा का यह स्वर्णिम अध्याय और उसके लिए निरंतर इसका कार्य चलता जा रहा है। इसी कार्य को, उसी परंपरा के कार्य को जीवंत रखने के लिए उत्तराखंड के पूज्य गोपालमणि जी महाराज जी ने बड़ा कार्य किया और कार्य करते करते चारों आमनाए पीठों का, शंकराचार्य महाभागों का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसी में हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया और उनके नेतृत्व स्वीकार करने के बाद संपूर्ण भारत में यह आंदोलन गतिमान हो रहा है। इस आंदोलन का जो मूल लक्ष्य है वो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है, इस देश में गोहत्या बंदी कराना है, इस देश में गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में लेकर जाना है। और चूंकि हमारा वेद पुराण उपनिषद शास्त्र एक ही बात, एक सूत्र वाक्य कहता है, गावो विश्वस्य मातर, उसे हम पशु के रूप में नहीं देखते, उसे हम कभी भी पशु कह ही नहीं सकते संबोधन में, और शास्त्र इसी बात को रेखांकित करता है कि पशुवो न गाव, गाय पशु नहीं है। और इसी काम के कारण, क्योंकि आर्टिकल जो 25 है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें सनातनियों को अपने धार्मिक अधिकारों का, अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का अधिकार देता है और उसी के तहत जो सनातन धर्म का मूल आधार है हमारा, वो भगवती गौ माता है। इसी क्रम में इस कार्य के लिए उसको देश में राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, गोहत्या बंदी हो, इसके लिए गोध्वज स्थापना भारत यात्रा संपूर्ण भारत में चल रही है, 33 प्रदेशों की राजधानियों में ये पहुंचेगी और वहां पर गोध्वज की स्थापना करेगी। और परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के द्वारा, जैसे दक्षिण की भूमि बड़ी विशेष भूमि है, केरला से कालड़ी से निकलकर जगतगुरु आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग ने उत्तर में भगवान केदारनाथ के शीर्ष में एक ध्वज को स्थापित किया था और वो ध्वज जो था वो बाबा नंदी का ध्वज था, उसे वृषभ ध्वज कहा जाता है। और वो नंदी वाले ध्वज की स्थापना जिसमें गोमाता राष्ट्रमाता लिखा होगा, उसे अद्य गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी संपूर्ण भारत में उसकी स्थापना करेंगे और गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाएंगे। संपूर्ण भारत में जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक किया था, ऐसे गौ माता के विषय में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों कोनों को एक सूत्र में जोड़ देने के काम में हमारे जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग आ रहे हैं। उनके साथ इस यात्रा में पूज्य गोपालमणि जी महाराज जी भी रहेंगे और इसी बात को मैं आपको जो ये बात पूरी हमारी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसमें हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिर्मठ के प्रभारी और जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग जी के प्रतिनिधि ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी, हम उनके पास आपको लेकर चलेंगे जो आपको कार्यक्रम का कार्यव्रत बताएंगे कि कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ होने वाली है, यात्रा ये कहाँ से चलेगी और कहाँ पर विराम लेगी, इसको किस तरह से शंकराचार्य जी का आगमन होगा, कब यहाँ पर उस आगमन होकर यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा, तो ये बात आपको हमारे ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी बताएंगे। और सबसे महत्व की बात एक सार रूप में कहने आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भारत में सभी मत पंथ मजहब कोई धर्म हो, सब गोरक्षा के आधार पर एकमत दिखाई देते हैं। अगर आप देखेंगे भारत के इतिहास में तो यहाँ पर अपने आप में बाबर ने गोरक्षा के मामले में कठोर कानून बनाया था, इसी काम को उनके आगे बढ़कर हुमायूं ने भी निभाया कि इस देश में गोहत्या नहीं होनी दी, यहां तक कि अकबर के समय पर तो गोहत्या पर मृत्युदंड का विधान भी दिया गया था। और अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हैदर अली ने अपने राज्य में गोरक्षा पर बड़े कड़े कानून बना रखे थे। भारत की परंपरा में अंतिम जो शासक है हमारे 1857 के बाद बहादुर शाह जफर ने यह बात घोषित कर दी थी कि इस देश में गोहत्या किसी भी कीमत में नहीं की जा सकती। बनारस के अंदर पर एक एडवोकेट है हमारे जावेद शमीम साहब, उनका एक जजमेंट निकल कर आया, उन्होंने कहा गोहत्या करने वालों को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। और सबसे महत्व की बात,
जो हमारे इस्लाम के अंदर पे पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनका एक वाक्य बड़ा फेमस है पूरे देश के अंदर में कि गाय का जो दूध है वो शिफा है, गाय का जो घी है ये दवाई है, और गाय का जो मांस है ये अपने आप में पाप है और अपने आप में ये बीमारी को लाने वाला है। तो ऐसी हर चीज में आप चाहे जैन में जाएं, सिख में जाएं, हर जगह गोरक्षा के पक्षधर हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पूरा भारत एक सामाजिक सौहार्द निभाए और गोरक्षा के मामले में तत्परता से इस काम को करे और भारत में गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। मैं चलता हूं सीधे हमारे ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी के पास।